दोस्तों यहाँ बता दू आज जो है इंडियन यूनिट्स के प्राइजेस भी सामने आ चुके हैं, इसीलिए आज मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जी फोल्ड 5 की, जो की काफी बढ़िया फोन साउंड निकल के आया है। अब दोस्तों पहले ही आपको बोल दूं, Z Flip 5 हो या Z Fold 5 हो, इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको देखने को। अगर हम Z Flip 4 या Z Fold 4 से कंपेयर करते हैं, ज्यादा आपको देखने का सेम ही लगेगा, आपको कैमरा सेटअप सेम मिल रहा है, बैटरी सेम मिल रही है। अगर आपको मिलेगा चेंज तो दो तीन चीजों में मिलेगा, अब क्या है वो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं Z Fold 5 की, यहां पर इसके अंदर आपको जो इस बार मिल रही है 7.60 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट जो है डायनेमिकली चेंज होता रहता है। इंटरनल डिस्प्ले है, यहां पर आपको 4 मेगापिक्सल का फ्रंट अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल रहा है, जो कि आपको पहले भी सेम मिलता है। अगर बात करते हैं बाहर के डिस्प्ले की तो 6.2 इंच की आ जाती है, यहां पर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मैक्सिमम मिल जाता है, इसमें भी आपको सेम मिलता है। 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो आउटर कवरिंग पे आ जाता है। अगर बात करते हैं यहां पर रियर साइड की तो रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 50, 12 और 10, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का है एक टेलीफोटो। अब दोस्तों यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, तो यहाँ पर मेन चेंज आपको देखने को मिलेगा एक तो प्रोसेसर के अंदर, इस बार आपको मिलने वाला है 8 Gen 2, जो कि बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट, बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। जैसा हम लोगों को पता है इसके एंड्रॉइड स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे जाते हैं और काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा ये फोन। इस बार कंपनी ने इसके अंदर इसको लगाया, बाकी बैटरी सेम है, 4400 mAh की बैटरी है, 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आ जाता है। तो आपको सिर्फ प्रोसेसर में ही एक अपग्रेड देखने को मिला है फोल्ड 5 के अंदर। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की, तो यहाँ पर जो फोल्ड का इस बार डिजाइन है, वो जो बीच में गैप रह जाता है वो इस बार उन्होंने रिमूव कर दिया है, यानी कि इस बार आपको जो फोल्ड का जो गैप देखने को मिलता है थोड़ा सा, वो भी गायब हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हिंज अभी भी नजर आती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर वेट की, तो इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़े से वेट कम हुआ है इस बार, तो ये एक काफी अच्छा पॉइंट है। बाकी बहुत ज्यादा चीजों का अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आपका जो प्रोसेसर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। बाकी इसमें आप गेमिंग बहुत जबरदस्त कर सकते हो, ऐसा सैमसंग का कहना है, या आप कह सकते हो सच में होगा भी, क्योंकि 8 Gen 2 सीरियसली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे अगर प्राइस की बात करूं तो आज इंडियन यूनिट्स के प्राइस आ चुके हैं। इंडिया के अंदर आपको इसका प्राइस पड़ने वाला है 1,54,999 रुपीज का, जो आपको 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा। अगर बात करते हैं इसे बड़े वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको 512 GB और 1 TB का वेरिएंट देखने को भी मिलने वाला है, जिसके प्राइस अलग अलग आपको पड़ने वाले हैं। दोस्तों आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इनके बारे में सुन के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 की, दोस्तों ये भी फोन जो है मैं कहूंगा अपग्रेड हुआ है, लगभग चीजें सेम ही है। यहाँ पर आपको 6.70 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पे भी आपको जो एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है मेन, वो है 8 Gen 2 का, यहाँ पे भी 8 Gen 2 देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट बना देता है इस फोन को। 3700 mAh की बैटरी है सेम। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो फ्रंट के लिए आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का, जो कि पहले भी मिलता था। रियर साइड में आपको मिल जाएगा बाहर के साइड में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, यानी कि आपको कैमरा सेटअप सेम मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं मेन चेंज की, तो एक तो प्रोसेसर का हुआ है, बाहर की डिस्प्ले बड़ी हो चुकी है इस बार फ्लिप में, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर ये भी आया है। यहाँ पर आपको 3.41 इंच की एक डिस्प्ले मिलने वाली है बाहर, जो कि गूगल एप्स या सैमसंग की कुछ खुद की एप्स पे काफी ज्यादा अच्छे से कंपेटेबल है, उसमें आप काफी अच्छे से अपना काम वगैरह कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपको चेंज देखने को मिल रहा है वो ये है। अगर बात करते हैं यहाँ पर वेरियंट्स की, तो यहाँ पर इसका प्राइस स्टार्ट होता है 99,999 रुपीज, यानी कि राउंड ऑफ करके 1 लाख रुपीज का प्राइस है। दोस्तों प्राइस मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी बैटरी जो है काफी ज्यादा एफिशिएंटली चलेगी। लेकिन ये है कि इस बार कोई ज्यादा मेजर चेंज देखने को मिला है तो एक डिस्प्ले का ही देखने को मिला है मेरे को इसके अंदर। बाकी इसके अंदर भी एक थोड़ा सा गैप था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है सैमसंग की तरफ से। तो आपको फ्लिप भी है अब थोड़ा सा और पतला दिखेगा, मतलब थोड़ा और जुड़ जाएगा, थोड़ा आपको पतला लगेगा दिखने में, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको सेम ही मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इनकी टैब सीरीज की, जो टैब S9 सीरीज लॉन्च हुई है, S9, S9 प्लस और इसके अलावा एक अल्ट्रा, ये तीन वेरिएंट लॉन्च हुए हैं।
अब दोस्तों सबके बारे में एक छोटा सा आपको डिटेल बता दूं। सबसे पहले तो इनकी डिस्प्लेस जो है वो बहुत जबरदस्त निकल के सामने आई है। यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके साइजेस की, तो जो आपको S9 मिल रहा है उसमें मिलेगा 11 इंच, अगर बात करूं प्लस की तो उसमें मिलेगा 12.40 इंच, और अगर बात करते हैं यहाँ पर अल्ट्रा वाले की तो वो सबसे बड़ी है, 14.60 इंच की डिस्प्ले आती है, जो कि सीरियसली काफी बड़ी है। मतलब अगर हम एक लैपटॉप की देखते हैं तो जो बड़ी नॉर्मल बढ़िया डिस्प्ले आती है 15.6 इंच की आ जाती है, तो उससे सिर्फ एक इंच कम रह गया, यानी कि आपका बहुत बड़ा लैपटॉप ही बन चुका है, इतनी बड़ी डिस्प्ले आप हाथ में लेके घूमोगे। वैसे गाइस इसके अंदर आपको तीनों के अंदर ही 8 Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि इनको बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर मेजर चेंज की, तो यहाँ पर आपको जो बड़ा टैबलेट है उसमें 16 GB तक की मैक्सिमम रैम देखने को मिल सकती है। बाकी एंड्रॉइड 13 के ऊपर ये सारे ही डिवाइसेस काम करते हैं, चाहे मैंने फोन बोले चाहे मैंने टैब बोले। इनके अंदर आपको मेन चेंज देखने को मिल जाएगा इनकी बैटरी में भी, जैसे कि आपको जो अल्ट्रा वाला टैब मिल रहा है उसमें 11,200 mAh की बैटरी है। अगर बात करते हैं S9 प्लस की तो यहाँ पर आपको 10,090 mAh की बैटरी मिलती है, और अगर यहाँ बात करते हैं S9 की तो इसके अंदर आपको मिलती है 8,400 mAh की बैटरी, यानी कि बैटरी का आपको फर्क देखने को मिल रहा है। चार्जिंग का सपोर्ट अभी मुझे नहीं आइडिया है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और, तो कैमरा सेटअप में भी थोड़ा सा फर्क है। जैसे अल्ट्रा के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है कैमरा का, रियर साइड में भी फ्रंट में भी, जैसे उसके अंदर आपको 12+12 का फ्रंट मिल रहा है और रियर साइड में 13+8 मिलने वाला है। आपको S9 प्लस के अंदर भी 12+12 और 13+8 रियर साइड का मिलेगा, लेकिन S9 के अंदर आपको मिलने वाला है 12 MP का फ्रंट और 13 MP का रियर साइड में सिंगल कैमरा। तो आपको जो S9 प्लस है और अल्ट्रा है उनमें डुअल कैमरा मिल रहे हैं दोनों साइड में, तो ये काफी अच्छा है। बाकी जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। अगर बात करूं इनके वेरिएंट्स की, तो इनमें वाईफाई और 5G दोनों वेरिएंट्स आते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से ले सकते हो। अगर बात करता हूं यहाँ पे S9 के प्राइस की, तो 72,999 के ऊपर इसका प्राइस चार्ट होता है वाईफाई वाले मॉडल का, 5G वाले मॉडल का ज्यादा जाएगा। अगर यहाँ बात करते हैं S9 प्लस की, तो इसका वाईफाई वाला मॉडल आता है आपको मिलेगा 90999 का, यानी कि 90999 में बोल रहा हूँ, और ये भी वाईफाई वाला मॉडल है। अगर मैं 5G वाले की बात करूं तो वो 1,00,000 तक जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर S9 अल्ट्रा की, तो इसका प्राइस शुरू होता है 1,08,999 से वाईफाई वाला मॉडल, 5G वाला मॉडल आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। यहाँ पर दोस्तों इसी बीच में एक सैमसंग की तरफ से और अपडेट निकल के आ गया है। सैमसंग की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है बहुत ही जल्दी आपको अफोर्डेबल फोन्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसा कंफर्मेशन मिल चुकी है सैमसंग की तरफ से, इसका मतलब यह है कि इस बार आपको जो प्रीमियम सेगमेंट में फोन दिखते हैं वो अब आपको एक अच्छे बजट के अंदर देखने को मिल सकते हैं फोल्ड फोन। अभी दोस्तों उन्होंने बोला है कि ये जो जैसे स्पेशली आपको बढ़िया फोन मिल जाते हैं 65,000 के अराउंड या कुछ है, ऐसे भी आपको 60 से ऊपर आप कह सकते हो वहां पर आपको एक फोल्ड देखने को मिल सकता है जो बजट में हो सकता है थोड़ा सा, उसके ऊपर वाले तो ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसा भी अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से कि ऐसा कोई फोल्ड जो है फोन को जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं। वैसे गाइस इसी के साथ में अपडेट निकल के आ रहा है आईफोन्स की तरफ से, आईफोन 15 और 15 प्लस के बारे में। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इनके अंदर आपको 48 MP का सोनी का कैमरा देखने को मिल सकता है इस बार, जो कि काफी बड़ा अपग्रेड होगा अगर मैं नॉर्मल वेरिएंट्स की बात करूं प्लस और 15 नॉर्मल वाले की, तो ये काफी बड़ा अपग्रेड है। 48 MP आपको एक बढ़िया क्वालिटी देगा, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे गाइस सैमसंग की तरफ से एक और अपडेट आपके लिए बताऊं निकल के आ रहा है S23 FE के बारे में। दोस्तों कंफर्मेशन मिल रही है कि इस फोन के अंदर आपको 8+Gen 1 देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके रैम रोम की, तो 8 GB का रैम LPDDR5 के साथ में आ सकता है ये फोन, ऐसा बताया जा रहा है। 256 GB का पहला वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है UFS 3.1, और अगर बात करते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड 13 बेस ही होगा ये भी फोन। बाकी देखें और यहाँ कुछ निकल के आता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इससे पहले भी मैंने अपडेट्स वगैरह दिए थे, आपको मुझे ऐसा लग रहा है शायद मिक्स होकर चीजें आएंगी, मतलब 2-3 चीजें अभी जो मैंने बोली है शायद वो हो जाएंगी, 2-3 चीजें जो मैंने पहले बोली थी वो हो जाएंगी, तो मिक्स होकर एक फोन बन के आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये सेकंड अपडेट निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, और आप बता दूं जो व्हाट्सएप बीटा चलते हैं उनके अंदर एक नया अपडेट आ गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेफ्टी टूल नाम का एक नया सपोर्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको फीचर मिलता है वो आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो कि है ब्लॉकिंग का और रिपोर्टिंग का फीचर, लेकिन आपके लिए इजी करने के लिए इस फीचर को अलाउ कर दिया गया है। अब मतलब अभी आएगा ये फीचर आप तक, बीटा टेस्टर को मिल चुका है। जैसे ही कोई अननोन सेंडर आपको एक नया मैसेज मिलता है एक नए अननोन नंबर से,
तो जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले एक सेफ्टी टूल दिखेगा जिसके ऊपर लिखा होगा रिपोर्ट या ब्लॉक। अब अगर आपको वो स्पैम लगता है या कुछ भी लगता है तो आप वहीं से डायरेक्टली ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर आ रहा है। अब वैसे तो आपके पास अवेलेबल होता है ब्लॉक का या रिपोर्ट का फीचर, लेकिन आपको इजी करने के लिए डायरेक्टली आपको एक नोटिस आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी टाइम पे कर सकते हो। यहाँ पर वो साथ में लिखेंगे भी कि आपको प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अगर सही लग रही है, जेन्युइन लग रही है तभी आप रिप्लाई कीजिए, या फिर आप नंबर वगैरह देखिए अगर आपका कंट्री कोड आपसे मैच होता है, जो भी है आपको पता है ये कॉलर वगैरह के बारे में जो भी है। तो बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट है, सेफ्टी टूल की टाइप में आप कह सकते हो ये सपोर्ट आ चुका है। और ये अभी हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर नहीं आया है, पहले बोल रहा हूँ आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बीटा टेस्टर्स के पास में ये आ चुका है। वैसे ही अगला रीडिंग निकल के आ रहा है प्रोटॉन की तरफ से, इनकी ZBuds अल्टिमा लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। इनका प्राइस निकल के आया 1499 का। यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि स्वेट प्रूफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आ जाता है, सीरी का सपोर्ट आ जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर की तो 13 MAH का ड्राइवर मिल जाएगा, सिंगल चार्ज में 50 आवर्स का आपको बैकअप मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी। वैसे गाइस अगला आर्टिकल कह रहा है पोको की तरफ से, पोको के दोस्तों 29 जुलाई को लॉन्च होने वाले हैं इनके पॉड्स TWS। ये ईयरफोन काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा इसके अंदर आपको सिंगल चार्ज पे। यहाँ पे अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हो तो 90 मिनट्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मतलब ये मिलने वाला है, अभी लॉन्च होने वाला है पहले बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर 1500 के नीचे ही इसका प्राइस आएगा, लेकिन लॉन्च ऑफर आपको मिलने वाली है 1199 रुपीज की। 29 जुलाई को लॉन्च होने वाले हैं और यहाँ पर जो ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि टाइप सी जो आपके फास्ट चार्जिंग के काम होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 440 mAh की बैटरी मिलने वाली है केस में, और पर बर्ड के हिसाब से बात करूं तो 34 mAh की सिंगल बर्ड के अंदर, तो दोनों बर्ड के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं 29 जुलाई को लॉन्च होंगे, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि इनकी लॉन्च डेट क्या है, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं 29 जुलाई का हमें वेट करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या निकल के आता है। वैसे गाइस पेबल की तरफ से उनकी रिवॉल्व स्मार्ट वॉच है 1.39 इंच के डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया इंडिया में। इसका प्राइस रखा गया है 3499 का, ये ऑफर प्राइस है। इसके बाद हो सकता है इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाए या हो सकता है कम भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, वैसे बढ़ेगा ही। बाकी दोस्तों यहाँ पर 230 mAh की बैटरी है, 7 डेज का बैटरी बैकअप आपको कंपनी क्लेम करती है। यहाँ पर आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। SBOTO सपोर्ट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ये कॉमन है, ये आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो कंपनी ने कुछ भी अभी बताया नहीं है। यहाँ पर वॉच फेसेस की बात करूं तो वो भी कंपनी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि आपको क्लाउड बेस्ड जो वॉच फेसेस मिल जाएंगे। अब क्लाउड में तो काफी होते हैं तो हो सकता है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। HD डिस्प्ले है, यहाँ पर गूगल और आपको सीरी का सपोर्ट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट और सीरी का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि iOS और एंड्रॉइड दोनों के साथ में कंपेटेबल है, काफी अच्छी है। जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं जल्दी। दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।